लाइक हल्की हल्की यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस साइड पे तो देखो यार, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी है यार। ये देखो अभी यहाँ पे जाके मुझे क्रॉप्स कटिंग करनी है। Assalamualaikum. So hey guys, what's up everybody? Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? Okay guys, we are finally back with another vlog. यार अभी सीन कुछ ऐसा है, लाइक यार बाहर देख सकते हो धूप निकला हुआ है, लाइक अभी कोई तकरीबन 3 बज रहे दोपहर के। By the way, मुझे अभी जाना था क्रॉप्स कटिंग के लिए। As you know, यहाँ पे जो मेज की जो क्रॉप्स है उनकी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे अभी उसके लिए जाना था। लेकिन उससे पहले ये देख सकते हो आप लोग, कल की तरह मेरे सामने फ्राइड कॉर्न्स जो है वो मेरे सामने पड़े हुए, जो कि कल की तरह पॉपकॉर्न बनते बनते रह गए। मजाक कर रहा हूँ यार, इसी की तरह करके मैं खाता हूँ रोज, क्योंकि सर्दियों में इस तरह करके खाने से लाइक इंसान की जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है, दैट्स इट। तो इससे ज़्यादा इसकी साइंस मुझे भी नहीं पता। तो सीन कुछ ऐसा है यार, अभी मुझे जाना है, जाके क्रॉप्स कटिंग के लिए मुझे जाना था, तो मैंने सोचा ये सब खाते। यूजुअली हम लोग लाइक यार सुबह के टाइम कटिंग करते थे क्रॉप्स के, क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है। आज सुबह सवेरा नहीं हो पाया क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है यार, जी सर आपको पता है। कल भी दिन भर और पूरी रात आज भी लाइक बारिश होता रहा यहाँ पे। एंड द थिंग इज, अभी तकरीबन दोपहर के बाद से जाके तकरीबन 2 बजे के बाद से जाके धूप निकला हुआ है, एंड उससे पहले तो फुल बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे बैठ के सबसे पहले ये खाता हूँ, जैसे ये सब खा के फ्री होता हूँ तो यहाँ से मैं जाऊँगा, साथ मिलकर जाएंगे क्रॉप्स कटिंग के लिए। तो यहाँ पे बैठकर मस्त मैं ये खाता हूँ, जैसे ये फिनिश करता हूँ तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे बैठकर मस्त खा पी के मैं फ्री हो चुका हूँ यार। अभी चलते, टोपी मैंने पहन लिया क्योंकि क्रॉप्स के अंदर यार थोड़ा बहुत धूल मिट्टी होता है जो कि सर में पड़ जाता है। तो इस मौसम में लाइक यार इस सर्दी में कौन रोज़ रोज सर इतना सर्द होएगा, मैं तो नहीं करना चाह रहा। एक तो मेरे बाल भी बहुत बड़े हो चुके हैं। अभी आ जाओ यार, अभी चलते हैं घर में। लाइक यार ये प्लेट्स बचते इनको मैं घर में छोड़ कर आता हूँ, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली क्रॉप्स में जाते हैं। ओके गाइस, तो जो प्लेट था वो मैं घर में छोड़ के आ चुका हूँ यार, अभी डायरेक्टली बाहर चलते हैं, बाकी धूप है मस्त। तो अभी यहाँ पर जाके मुझे क्रॉप्स कटिंग करनी है, लाइक यार इस साइड पे कहीं पे बैठकर मस्त क्रॉप्स कट करेंगे, बाकी धूप है मजा आएगा अभी क्योंकि गरम गरम धूप निकला हुआ है। तो आ जाओ यार, सेकल सेकल कहते हैं जो भी कहते हैं वो यहाँ पे पड़ा होगा, मैं उसको लेकर स्टार्ट करता हूँ, एक दिन आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ से थोड़ी बहुत कटाई मैंने कर दिया है क्रॉप्स की। लाइक यार कैमरे में बहुत छोटी जगह नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक यार इतने सारे ये जो क्रॉप्स है जितने भी, ये देख सकते हो आप लोग, इस साइड पे देखोगे तो इतने ऐसी जगह पर मैंने कर लिया है। लाइक यार यहाँ से लेकर वहाँ तक ये ज़्यादा है यार आई थिंक आज के लिए, क्योंकि अभी तकरीबन असर होने का टाइम है। लाइक यार सनसेट हो चुकी है, तो अभी आ जाओ यार। ओके गाइस, तो फाइनली मैं जो यहाँ से थोड़ी बहुत क्रॉप्स कटिंग करके फ्री हो चुका हूँ यार। एंड द थिंग इज, अभी आ जाओ घर चलते, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लाइक यार अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ा आ गया गर्मी लगने से। बाकी यार मेरे इन लाइक यार जो आर्म्स, लाइक यार इन बाजुओं में बहुत जलन हो रहा है, क्योंकि गलती से मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहन के आ गया था, मैं भूल ही चुका था कि फुल स्लीव पहना है। तो इसके अंदर कोई पता नहीं यार, अजीब ही चीज़ है जो कि यहाँ वहाँ छुपता है एंड बाद में जलन होने लगता है। तो अभी डायरेक्टली घर चलते हैं यार, थक गया हूँ मैं बहुत, मुझे बस पानी पीना है अभी जाके। तो अभी आ जाओ यार, मैं जाता हूँ घर में, घर से जाके पानी शानी पीता हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलता हूँ यार। बाय द वे अभी असर का टाइम हो रहा है, तो आ जाओ यार रूम में चलते, थोड़ा बहुत रेस्ट करते एंड जो भी होगा आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके गाइस, तो फाइनली मैं जो थोड़ा बहुत यार क्रॉप्स में काम करने के बाद अभी आ चुका हूँ, लाइक यार रूम में आ चुका हूँ, जिस सर आप लोग देख सकते हो पानी शानी मैंने पी लिया है,
थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया हूँ। एंड द थिंग इज़ अभी मैं रूम में आ गया था अपने लिए, एक ये देखो क्या लेके आया हूँ, मज़े का अनार है मेरे पास जो कि मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगा। तो आप लोग भी हैरान परेशान होंगे कि वो मैं सिर्फ खाता रहता है तो क्या करूँ यार इन चीज़ों का, तो अभी सीजन चल रहा है तो ये तो मुझे खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठकर सबसे पहले मैं जो इसके ऊपर जो कवर वगैरह है ये हटा देता हूँ एंड मज़े से यहाँ पे बैठकर मस्त ये खा लूँगा, फिर मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि ये बहुत फ्रेश है, अभी अभी मैंने फ्रिज से उतार के लेके आ चुका हूँ यार। तो आ जाओ यार यहाँ पे बैठ कर ये खाते, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइज, तो कोई 10 मिनट के बाद ये देख सकते हो आप लोग फुल रेडी टू ईट है। मेरे पास जो अनार था इसको क्या ही बना दिया यार, तो मज़ा ही आ जाएगा इसको खाने में अभी। तो यहाँ पे बैठकर मस्त मैं इनको खाता हूँ। लाइक रोज इस रूम में बैठकर मैं चाय पीता था, लेकिन आज मैं अनार खा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम लाइक कोई 3:30 हो रहा है, तो अभी चाय पीने में भी टाइम है, वो भी पियेंगे लाइक इसके बाद। तो अभी मस्त मैं यहाँ पे रूम में बैठकर अनार खाता हूँ, लेकिन रूम में काफी ज्यादा सर्दी लग रही है यार। तो आ जाओ यार यहाँ पे बैठकर मस्त अपने अनार खाते। जैसे ही मैं ये सब लाइक अनार खा के जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। 15 मिनट्स लेटर। रूम से अनार खाने के बाद यार मैं आ चुका था, लाइक यार उस टाइम तो थोड़ा बहुत अनार खाया वहाँ पे बैठकर रूम में मस्त, एंड फिर मैं आ गया था अभी, फिर सो गया था यार तकरीबन कोई 30 मिनट का नैप ले लिया था। अभी मैं आ गया हूँ इस जगह पे, कल वाले लोकेशन है लाइक यार यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत, कल तो क्या ही व्यू आ रहा था यहाँ से, लेकिन आज इतना कोई प्यारा व्यू नहीं आ रहा। हाँ बहुत पीछे जो बादल है वो प्यारे लग रहे हैं यार, थोड़ी हल्की हल्की सूरज की रोशनी वह उन पहाड़ों के ऊपर पड़ रही है तो हाँ वो बहुत मज़े का लग रहा है। बाकी तो कुछ इस तरह का सीन है। एंड आई थिंक साथ आज भी एज यूजुअल मैं चाय लेके आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर इस व्यू के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस यहाँ पे खड़े खड़े मैं अपनी चाय पीता हूँ। एंड आई थिंक यहाँ से आपको एक चीज़ डिफरेंट लगेगा, लाइक यहाँ पे कल फुल ग्रीन नज़र आता था लाइक यार इस साइड पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली यहाँ पे ग्रेप्स की ट्री थी लाइक यार, उसको काट दिया अब्बू ने, पता नहीं क्यों वो ख़राब हो चुकी थी लाइक क्या, बस वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी इसलिए उसको काट दिया है अब्बू ने। तो जब मैं सुबह उठा था तो उसमें लगा था अब्बू, एंड अभी जाके देखा है तो सारा कुछ ख़त्म है यार यहाँ से। हाँ लाइक यार वो बहुत प्यारी लग रही थी, मैं वो तो मैं मानता हूँ लाइक यार फुल ग्रीनरी यहाँ से नज़र आता था इस साइड में देखने से, लेकिन ख़राब हो चुकी थी, उसमें कोई ग्रेप्स नहीं हो रहे थे लाइक यार, उसकी वजह से अब्बू ने उसको काट दिया है लाइक यार, उसमें फ्रूट्स नहीं आते थे ग्रेप्स की, बस सिर्फ दरख्त यहाँ पे लगा था तो क्या करना है उसका। तो अभी बस मैं यहाँ से चाय शाय पीता हूँ लाइक यार इस प्यारी सी व्यू के साथ, कल की जितना प्यारी नहीं है लेकिन हाँ मज़ा आएगा यहाँ पे बैठकर अपना चाय इंजॉय करते हैं, देन देखते आगे क्या कर सकते हैं। बाय द वे सनसेट हो चुकी है, कुछ इस तरह का सीन है। कल इस टाइम तो यहाँ पे क्या ही लेवल का बारिश हो रहा था लाइक यार, यहाँ से देखने में फुल बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन आज सही है यार मौसम सही है, कोई इतना ठंडा मौसम भी नहीं था। हाँ लाइक यार दोपहर तक तो आज भी बारिश हो रही थी, लेकिन उस टाइम के बाद से बारिश नहीं हो रही थी, तो उस टाइम के बाद से फुल धूप थी। एस यू नो मैं जाके क्रॉप्स की भी कटिंग कर दिया था, तो हाँ यार थकावट भी उतर गई है क्योंकि तकरीबन कोई 30 मिनट का मैंने नेप लेकर आ गया हूँ। तो आ जाओ यार यहाँ से मस्त अपना चाय पीता हूँ एंड फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैं जो यहाँ से चाय शाय पी के फ्री हो चुका हूँ यार, अभी आ जाओ अभी रूम में चलते हैं। लाइक अभी कोई 5:45 हो रहा है लेकिन लाइट्स नहीं है यार, जिसकी वजह से इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। तो अभी मुझे जाना होगा लाइक यार, जाता हूँ जाके थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, तब तक इंशाल्लाह लाइट भी आ जाएंगे। अगर लाइट्स आ गए तो खुशी खुशी मैं अपना वीडियो भी अपलोड कर लूंगा, अगर नहीं हो सका तो वेट कर लेंगे लाइट आने तक। लेकिन मैं अभी जाता हूँ रूम में, रूम से जाके एक थंबनेल बनाता हूँ, तब तक इंशाल्लाह लाइट भी आ जाएंगे, अगर लाइट्स आ गए तो हम अपना वीडियो भी अपलोड कर लेंगे यार। तो आ जाओ अभी रूम में चलते जाके थंबनेल बनाते हैं। One eternity later. Okay guys, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से नेट आ गई थी यार, एंड उसके बाद मैंने टाइम पे अपना वीडियो भी अपलोड कर दिया। अभी कोई तकरीबन 6:10 हो रहे, तो बस अभी अभी मैंने अपना वीडियो अपलोड करके आ चुका हूँ यार। एंड द थिंग इज ये देख सकते हो आप लोग कल और आज में कितना ज्यादा डिफरेंस है लाइक यार, कल इस तरफ देखने से लग रहा था कि कोई 7-8 बज गए, इसी टाइम में मैंने वीडियो का एंडिंग बनाया था लग गया इसी टाइम। अभी ये देखो यार ये बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, कल जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि इन पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो चुकी होगी, तो ये देखो यार लाइक हल्की हल्की यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और यहाँ पे भी हो चुकी है। बाय द वे इस साइड पे तो देखो यार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है यार, ये देखो इसके ऊपर जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है वो स्नो है, एंड ये थोड़ा थोड़ा होकर अभी कोई दिसंबर या जनवरी के महीने तक नीचे हमारे गांव तक पहुंच जाएगा लाइक यार। अब यहाँ पे है हल्की हल्की स्नोफॉल, एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होकर यहाँ पे भी हर तरफ आपको
इंशाल्लाह बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। बाकी यार बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लोग को पसंद आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।